वायव्य कोण में किचन के होने से क्या प्रभाव पड़ता है जीवन में? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अगर आपका रसोई घर बना है तो इस स्थिति में घर के जो सदस्य हैं उनमें घर का जो मुखिया है उसके जीवन में काफी परेशानियां एकदम से आ जाती हैं। कई बार देखा गया है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उसका जो मूड होता है वो काफी रोमांटिक होता है और विशेषकर इसी बात के कारण ऐसे पुरुषों के बाहर जो स्त्रियां होती हैं जो बाहर जो उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या एक्स्ट्रा लव रिलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के कारण उसके घर में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। अगर आपके घर का भी किचन वायव्य कोण अर्थात नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बना हुआ है तो आपको भी काफी हद तक इन सारी प्रॉब्लम्स से जूझना पड़ सकता है। साथ ही साथ जो घर की जो बेटियां होती हैं घर में जो अविवाहित लड़कियां होती हैं उनके जीवन में भी कई प्रकार की परेशानियों को उन्हें झेलना पड़ता है। ऐसी स्थिति में घर की जो स्त्रियां हैं घर की जो अविवाहित कन्याएं हैं उनका भी जो है बाहर कोई लव रिलेशन होता है और उसके कारण काफी बदनामी भी सहन करनी पड़ती है। कहने का अर्थ ये है कि अगर वायव्य कोण में अगर आपके किचन रहेगा तब इस स्थिति में कहीं ना कहीं बदनामी का दाग आपके परिवार पर आपकी घर की महिलाओं पर अवश्य ही लगता रहेगा जिसके कारण आपको काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। उसी के साथ साथ रोग के मामले में ये जो वायव्य कोण में किचन होता है ये घर परिवार में काफी रोग देता है। ये कोण वायु का कोण है, इस स्थिति में अगर यहाँ रसोई घर होगा तो कहीं ना कहीं गैस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम घर परिवार के सदस्यों को झेलनी पड़ सकती है। साथ ही साथ जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें अचानक से कभी कभी बहुत ज्यादा पेट दर्द की समस्या झेलनी पड़ सकती है। अचानक पेट दर्द हो जाना, पेट में तकलीफ या अपेंडिक्स की प्रॉब्लम इस जगह पर रसोई घर किचन बनाने से हो सकती है। अगर आपके घर में भी इस प्रकार के किचन का वास्तु का दोष है तो आपको उसे ठीक करने की जरूरत है। अगर आप बिना तोड़ फोड़ के उस दोष को ठीक करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट जरूर कीजिए। जय महाकाल, हर हर महादेव।